हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी वंदना की रसोई में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ही, तो मैं भी उसी से इन्फेक्टेड हो गई थी थोड़ा, और घर में सभी लोग इसी से इन्फेक्टेड हो गए थे, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आप लोग थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि मैं कोई आज रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको अपना कोविड रिकवरी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है कि आप लोगों को शायद इससे कुछ हेल्प मिल सके। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरे क्या क्या सिम्टम थे और मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिया, और इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे हम जल्दी से ठीक हो सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि मुझे ये वायरस ने कब इन्फेक्ट किया और इसके सिम्टम क्या थे। तो ये मुझे 6 अप्रैल की रात, करीब रात हो गई थी, उस समय मुझे फीवर आया और ठंड भी लग रही थी और हेडेक हो रहा था, बॉडी पेन तो कम था। तो रात हो गई थी तो मैंने पैरासीटामोल ले लिया, फिर सोचा कि कल दिखा देंगे। तो मैं दूसरे दिन गई दिखाने तो बहुत ज़्यादा ही एकदम से फिर बॉडी पेन वगैरह सारा शुरू हो गया। मैं डॉक्टर के पास जब गई तो वहाँ खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी और मैं मेडिसिन हर टाइम जैसे लेना था उस टाइम मैं हर टाइम लेती रही, और मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, वॉमिटिंग सी लग रही थी, गले में कुछ कड़वा कड़वा सा लग रहा था। तो ये सारे सिम्टम हो रहे थे, और स्मेल और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं उस समय गया था। फिर 2 दिन बाद मैंने फिर दिखाया डॉक्टर को, क्योंकि मुझे थोड़ी खांसी भी शुरू हो गई थी। तो और मुझे ये लग रहा था कि शायद होली की वजह से, कुछ ज़्यादा काम करने की वजह से थकान हो गई होगी, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और डॉक्टर भी यही सोच रहे थे कि शायद कुछ ऐसे ही होगा कि कुछ होली में खट्टा खा लिया होगा, जैसे दही बड़े वगैरह, तो इस वजह से खांसी आ रही होगी। तो ऐसा करते करते मेरा 5 दिन हो गया। इसी बीच मेरा छोटा बेटा भी थोड़ा मुझसे अटैच रहता था, बार बार आता था, तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया था मुझसे, उसके भी फीवर और हो गया था। तो उसको मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उसके 2 दिन में फीवर वगैरह ठीक हो गया। तो मेरा जो मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही थी वो 5 दिन हो गया इस तरह से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जिस डॉक्टर को मैंने बेटे को दिखाया उन्हीं को दिखाते हैं। तो फिर जब मैंने उनको दिखाया, और उसी बीच मेरा भाई भी इन्फेक्टेड था, तो उसने तो कोरोना का टेस्ट कराया तो उसका नेगेटिव आया, और मैं थोड़ा सा डर भी रही थी टेस्ट कराने के लिए फिर, लेकिन जब उसने कराया तो मैंने सोचा चलो मैं भी करा लेती हूँ, नेगेटिव ही होगा मेरा भी। तो मैंने जब कराया तो मेरा एक बार में पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, हस्बैंड गए लेके, तो डॉक्टर ने उस हिसाब से फिर मेडिसिन चेंज कर दी। तो मेरी मेडिसिन चेंज हो गई, और जब उसका पॉजिटिव आया तो सभी लोग एकदम टेंशन में आ गए और एकदम से डर लगने लगा। एक तो क्योंकि बच्चे भी कभी काम करते नहीं थे, सारा काम उनके ऊपर पड़ना था, तो मुझे भी थोड़ा सा वो लग रहा था। जैसे ही पॉजिटिव आई रिपोर्ट, मैं अपना आइसोलेट हो गई एक रूम में, और मैंने अपने बर्तन अलग कर लिए, वो मैं अपना करती थी साफ, रूम को भी मैं अपना साफ करती थी, और मास्क वगैरह लगा के रखती थी। जब बच्चे आते थे कुछ देने तो भी वो बच्चे भी मास्क लगा के रखते थे, और मैं भी, और खाना वगैरह मम्मी भेज देती थी, तो थोड़ा बच्चों को भी कम काम पड़ गया था। मैंने अपना टेस्ट 11 अप्रैल को कराया था, और उसकी रिपोर्ट आई है करीब 14 अप्रैल को, तो इतना टाइम लग गया। और मैं इस बीच अपने फैमिली के साथ ही थी, तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे लोग इन्फेक्ट हुए, लेकिन हस्बैंड उसी बीच वैक्सीन लगवा के आए थे, तो उनके भी फीवर चढ़ा और उसी तरह के सिम्टम थे, बॉडी पेन वगैरह। तो एक दिन मेरे पास स्वास्थ्य विभाग की कॉल आई, तो उन्होंने पूछा आप कोविड पेशेंट हैं, आपके घर में और कितने कितने लोग हैं और
क्या उनके भी फीवर वगैरह कुछ है, तो मैंने बोला कुछ नहीं है उनके, लेकिन हस्बैंड वैक्सीन लगवा के आए थे तो उनके हल्का सा फीवर था, तो उन्होंने पैरासीटामोल ले लिया था तो ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि आप टेस्ट करवाना चाहते हैं सबका, तो मैंने बोला कि आ जाइए टेस्ट कर दीजिए। तो इन सबका जो है एंटीजन हुआ, तो तुरंत ही रिपोर्ट भी मिल गई, इनका छोटे बेटे का और हस्बैंड का, इनका दोनों का पॉजिटिव आया और बड़े बेटे का निगेटिव था। फिर एक दो दिन बाद मैंने व्हाट्सएप लिंक पे ये लोग उसकी रिपोर्ट भेजते हैं, तो मैंने देखा तो उस पर दोनों लोगों का फिर निगेटिव था, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे इन दोनों को भी कुछ दिन के लिए क्वारंटीन कर होना पड़ा। बड़े बेटे ने कहा कि आप लोग भी थोड़े दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए, तो ये लोग भी कुछ दिन के लिए रहे। मेरा बड़ा भाई जो है, हैं तो दोनों मुझसे छोटे ही, लेकिन जो बड़ा वाला है वो उसके 10 अप्रैल को फीवर आया, और उसने भी जब टेस्ट कराया, दो बार उसने कराया, दोनों बार निगेटिव आया, तो उसकी थोड़ी सी हालत बिगड़ने लगी थी। उसके बड़े वाले भाई का ऑक्सीजन थोड़ा डाउन होता जा रहा था, तो उसको रात में ही सभी गए एडमिट कराने, और सब लोग तो जा ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे बीमार थे और सभी लोग इधर उधर बीमार ही थे। तो उसकी वाइफ थी और थोड़ा ऑफिस के लोग थे, सारे लोगों ने बहुत हेल्प की और उसको एडमिट कराया। तो 10 दिनों तक आईसीयू में रहा और फिर उसके बाद अब सब लोग ठीक हैं। मैं बताती हूँ कि इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है। तो इसमें भूख तो कम लगती है, लेकिन भूख कम भी लगती है तभी खाना ज़रूर है, क्योंकि शरीर को हमको चलाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, केवल दवा से तो काम चलता नहीं है। तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी चीज़ टाइम पे लेनी है, और फ्रूट्स लेना है। तो मैंने एप्पल और ऑरेंज खाया, बनाना मुझे थोड़ा सा कफ करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैसी प्रवृत्ति है। 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वात, पित्त और कफ। तो मेरा कफ प्रवृत्ति है, तो मुझे घी, दूध और सभी चीज़ों से मुझे गले में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, खराश हो जाती है। तो मैंने जो मुझे सूट करी वो चीज़ मैंने खाई। तो ऐसे ही आपके यहाँ भी किसी को अगर ऐसे है तो जो चीज़ जिसको सूट करती हो वही चीज़ दें, और खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, जितना भी आप खा पाएँ उतना खाएं। और टेस्ट तो वैसे भी चला जाता है, तो टेस्ट से तो कोई फ़ायदा नहीं टेस्ट लेने का, बस पेट भरना है बॉडी को चलाने के लिए। तो खाते रहिए और नारियल पानी पीजिए, पानी खूब पीते रहिए, जूस जो पी पाए तो जूस पीजिए, और एनर्जी ड्रिंक मिल जाए जो भी उसको पीते रहिए। तो बॉडी में लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए। दूध पी सकते हैं तो दूध पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, और काढ़ा पीजिए। तो मैंने 3 टाइम काढ़ा पिया है, और दूध, चाय, जब मुझे मन किया दूध तो मैंने थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया है। और दूध को मैंने खीर के रूप में लिया है और दलिया के रूप में। तो ये सब चीज़ आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और साथ में अपना पल्स और ऑक्सीजन ज़रूर चेक करते रहिए, और अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर रखिए। थर्मामीटर में आप चेक करिए, आपका 99 से ऊपर या 100 से ऊपर फीवर नहीं होना चाहिए। और ऑक्सीजन चेक करने के लिए इस तरह से ऑक्सीमीटर आता है, ये पल्स रेट भी दिखाता है और ऑक्सीजन भी दिखाता है। इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये इसका बटन होता है, इसमें ऐसे उंगली रखनी होती है। तो अगर आपका ऑक्सीजन 94+ है तब तो कोई बात नहीं, और अगर 94 से कम हो रहा है या फिर 92 से कम हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। और ये दिखाता है ये पल्स रेट, तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम मेरा सब कुछ ठीक है। आप थोड़ा सा टहल के भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका ऑक्सीजन क्या डाउन तो नहीं हो रहा है,
सब डॉक्टर बताते हैं 6 मिनट का वॉक करने को। अगर आपकी सांस चलने लगती है ज़्यादा तेज तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहिए, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, तो ये सब आप बीच बीच में करते रहिए। जैसे फीवर स्टार्ट होता है उसके 14-15 दिन तक हमको एकदम प्रिकॉशन रखना है, और उसके बाद फिर हम एक बार और टेस्ट करा सकते हैं, और टेस्ट में निगेटिव आता है तो फिर ठीक है, सब हम लोग घर वालों के साथ में रह सकते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी हमको डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन को छोड़ना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं तो मेडिसिन नहीं छोड़ना, और खाने पीने का पूरी तरह से अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इसको जब फीवर ठीक हो जाता है उसके बाद भी बॉडी में काफ़ी वीकनेस रहती है, तो हमको अपना बॉडी को चलाने के लिए और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हमको काफ़ी चीज़ें जैसे चुकंदर का जूस है, ब्रोकली है, और सहजन मिल सके तो सहजन खाइए, और पालक है, और गाजर, ये सभी चीज़ें, और जूस वगैरह सभी लेते रहिए, नारियल पानी। बस इतना ही मुझे आपको बताना था, और मेरी अब वीडियो अपलोड होगी रेसिपी की, तो आगे आप लोग अपना ध्यान दीजिए, और सब सारा खुलने वाला है धीरे धीरे, तो लॉकडाउन, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए, एक लोग घर से निकलिए, जिनको बहुत ज़रूरी है वो तो जाएंगे ही जो ऑफिस जाते हैं, तो अपना ध्यान रखें, और जैसे भी कुछ सिम्टम पता चलते हैं खांसी जुकाम फीवर, तो वो अपने को आइसोलेट कर लें, जिससे सारे घर वाले सेफ रहें। तो बस आपसे इतना निवेदन है कि आप जब भी घर से निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए, और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, एक सैनिटाइजर की बॉटल छोटी सी अपने पर्स में रखिए। तो चलिए बस अब ख़त्म करते हैं यहीं पे वीडियो, और अब मेरी रेसिपी की वीडियो अपलोड होगी, आप उस पर बने रहिएगा। थैंक यू।